हाथरस हादसे का नया वीडियो सामने आया है। बाबा के काफिले का वीडियो सामने आया है। वीडियो में इधर उधर भागते हुए दिख रहे हैं लोग। सत्संग में भगदड़ का वीडियो सामने आया है। एक बड़ी खबर आपको बता रहे हैं कि ये वो वीडियो आप देखिए, कितनी बड़ी तादाद में लोग पहुंचे हुए थे और व्यवस्था यहां पर नाकाफी थी। और ये उस दौरान का वीडियो है जब भगदड़ की स्थिति पैदा हुई और लोग इधर उधर भागने लगे। हालांकि कुछ पुलिसकर्मी हैं जो कि आपको इस वीडियो में भी नजर आएंगे, लेकिन वो भी कंट्रोल नहीं कर पाए पूरे मामले को। जिसके बाद में देखिए, ये बाबा की गाड़ी है जो वहां से गुजर रही थी और पीछे पीछे लोग भाग रहे थे आशीर्वाद लेने के लिए। इसी दौरान भगदड़ जैसी स्थिति पैदा हुई और 116 लोगों ने अपनी जान गंवा दी। तो एक के बाद एक कई गाड़ियों का ये काफिला, और इनमें से एक गाड़ी उसी बाबा की थी जिसके सत्संग में लोग शामिल होने आए थे। और ये देखिए कैसे लोग पीछे पीछे भाग रहे हैं आशीर्वाद लेने के लिए, और गाड़ी भी एक रफ्तार के साथ में आगे बढ़ रही है। और इसी दौरान लोग काफी ज्यादा अनकंट्रोल हो गए और उसके बाद में भगदड़ जैसी स्थिति पैदा हो गई और हर कोई आगे जाना चाहता था, और इसी दौरान कुछ लोग नीचे भी दब गए और दम घुटने से उनकी मौत हो गई है। हालांकि कई लोग इसमें घायल भी हुए थे। अभी तक का जो आंकड़ा है वो काफी ज्यादा डराने वाला है। 116 लोगों की मौत हो गई है और अभी भी कुछ लोग ऐसे हैं जिनका अस्पताल में इलाज जारी है। उनमें से भी कुछ लोग ऐसे जिनकी हालत नाजुक बनी हुई है। तो ये एक्सक्लूसिव वीडियो आप देखिए, 80,000 लोगों की परमिशन ली गई थी, लेकिन आपकी जहां तक नजर जाएगी बहुत बड़ी संख्या में लोग यहां पर पहुंचे हुए थे। जितना आंकड़ा निर्धारित किया गया था व्यवस्थाएं उतनी भी नहीं थी और उससे ज्यादा लोग यहां पर पहुंचे। और ये वही तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जिस दौरान ये पूरा हादसा हुआ था, और इस हादसे में 116 लोगों ने अपनी जिंदगी गंवा दी। तो तस्वीरें आप देखिए, ये भयावह हादसे की तस्वीरें जहां पर बाबा के काफिले की गाड़ियां गुजर रही हैं। हाथरस में आज बहुत बड़ा हादसा हो गया। बाबा नारायण साकार हरि के सत्संग में अचानक भगदड़ मच गई। भगदड़ में 116 लोगों की मौत हो गई। मौत का आंकड़ा अभी बढ़ सकता है और बड़ी संख्या में लोग घायल हैं। गंभीर हालत में उनका इलाज चल रहा है। मृतकों में सबसे ज्यादा संख्या महिलाओं की है। हादसे को लेकर सीएम योगी ने हाई लेवल मीटिंग की है और मीटिंग के बाद में सीएम योगी ने कहा कि हाथरस की घटना हादसा है या फिर साजिश, इसकी जांच हो रही है। सरकार घटना की तह तक जाएगी, ये भी मुख्यमंत्री ने कहा, और जो भी जिम्मेदार होगा उसको बख्शा नहीं जाएगा। सीएम ने मामले की जांच के आदेश भी दे दिए हैं। राज्य सरकार इस पूरी घटना की तह में जाएगा। ये हादसा है या साजिश, यह भी हम इसकी तह में जाकर के इसको देखेंगे। इस प्रकार की घटना पर पीड़ितों के प्रति संवेदना व्यक्त करने की बजाय राजनीति करना यह अत्यंत दुर्भाग्यपूर्ण है और निंदनीय भी। हाथरस हादसे में अब तक 116 लोगों की मौत हो गई। मरने वालों का आंकड़ा बढ़ भी सकता है। न्यूज 18 की टीम भी ग्राउंड जीरो पर पहुंची है। रिपोर्ट आपको दिखाते हैं, मौके पर ही मौजूद है। आपको ये पंडाल दिखाना चाहेंगे। यहीं पर वो कार्यक्रम किया गया था जहां पर 80,000 लोगों की क्षमता की परमिशन थी, लेकिन उससे ज्यादा यानी दोगुने के आसपास लोग पहुंचे। करीब जो अनुमान लगाया जा रहा है 1.5 लाख से 2 लाख के करीब लोग पहुंचे थे। और यहां पर चीफ सेक्रेटरी और डीजीपी और इसके अलावा जो मंत्री हैं उत्तर प्रदेश सरकार के असीम अरुण और तमाम मंत्री यहां पहुंचे थे। निरीक्षण किया जा रहा है, यही वो स्पॉट है जहां पे स्टैम्पेड हुआ, जहां पर भगदड़ मची और 116 लोगों ने अपनी जान गंवा दी है। मैं कैमरामैन से रिक्वेस्ट करूंगा थोड़ा सा आगे आए, आपको तस्वीरें दिखाएं। यहां पे आप देखेंगे अंधेरा हो गया। ये जो सामने आप पंडाल देख पा रहे हैं यहीं पर वो घटना हुई है। फिलहाल जांच के आदेश दे दिए गए और बताया जा रहा है कि 24 घंटे में ये जांच की जो रिपोर्ट है वो सौंपी जाएगी। जो भी दोषी उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। साथ ही अभी बाबा फरार है। असीम अरुण ने कहा है जांच के बाद किसी को बख्शा नहीं जाएगा। भविष्य में इस तरीके की घटनाएं ना हो, इसकी पुनरावृत्ति ना हो, इसका भी ख्याल रखा जाएगा। लेकिन सबसे पहले जो घायल है उनका इलाज जो है वो बेहतर हो, इस पर ध्यान है। और साथ ही जो मृतक है उनके शव उनके घर तक पहुंचाए जाए, इस पर सरकार का ध्यान है। कैमरामैन नरेश के साथ हिमांशु शुक्ला, न्यूज 18।
हम 65 लोग एक बस में आए थे यहाँ सत्संग करने, और इसके बाद सुबह हम लोग 7 बजे यहाँ पहुँचे, और 7 बजे के बाद हम लोग वहाँ गए, वहाँ 12 बजे प्रभु जी दर्शन दिए, और प्रभु जी 1:30 बजे वहाँ से चले गए। हम तो तत्काल वहाँ से ग्राउंड से बाहर हो गए। इसके बाद जो हमारे और पैसेंजर थे वो पीछे थे, और इसके बाद भड़दड़ मची है जिसमें 2 पैसेंजर हमारे भी गायब है। तो आप लोग साथ में आए थे, आपके पड़ोसी हैं वो? हाँ, हमारे पड़ोसी हैं। अच्छा, कौन कौन है, कितने लोग हैं? 65 आदमी है, 65 जन है हम। नहीं, कौन है, पुरुष है, महिला है, कौन है? महिला है, महिला है, महतारी बिटिया है, महतारी बिटिया है। जब यहाँ से मतलब सत्संग मतलब प्रभु जी चले गए तब सब चले लाग, तो मतलब सब गाड़ी पर का पहुँच गए, वो लोग गाड़ी पर नहीं पहुँचे। हम लोग ढूंढा ढूंढा तब अभी तक परेशान हो गया, बाकी ढूंढे नहीं मिल रही है। उमा बेटी दोनों अस्पताल गए थे? हाँ, अस्पताल गए थे, बाकी ये अस्पताल में नहीं थे वो लोग। आप लोग कहाँ से आए हैं? सर, मैं अलीगंज से आया हूँ। कौन गायब है? ग्राम नगला बिरियन से। हमारे पापा अभी तक मुझे नहीं मिल रहे। अरे, कोई 50,000 के लगभग होगी? 50,000 नहीं, 40,000। 5 लाख से आदमी ऊपर रहे भाई, 4-5 लाख से आदमी ऊपर रहे, इतना आदमी रहे, बहुत आदमी, करोड़न की संख्या में आदमी था। तो यहाँ नहीं निकलने की कोई व्यवस्था नहीं थी, तो कोई तका हम लोग निकल कर उधर गए, उधर रहे चहला। हाथरस में हादसे के बाद में सीएम योगी ने मुख्य सचिव और साथ ही डीजीपी को मौके पर भेजा। डीजीपी और मुख्य सचिव मौके पर पहुंचे, घटनास्थल पर जाकर जायजा लिया, स्थानीय लोगों से बातचीत की और मौके पर मौजूद अधिकारियों से जानकारी भी ली। जो हम लोगों के पास सूचना एकत्रित हुई है वो लगभग 116 लोग हैं जिनकी मृत्यु हुई है, उसमें 7 बच्चे हैं और अभी 1 पुरुष की बात है, बाकी शेष महिलाएं हैं। और इसमें जिन लोगों का शिनाख्त हो पाया है वो लगभग 72 लोग हैं। मिसिंग सामने आई है उसमें जो उनके मुख्य सेवादार थे, उन्होंने एक एप्लीकेशन दिया था इस तरह के कार्यक्रम के लिए। पुलिस काफ़ी बड़ी संख्या में डिप्लॉयड थी, उसके बाद भी जो बताया जा रहा है कि कार्यक्रम ख़त्म होने के बाद लोगों की कुछ प्रथा है कि उनके पैर छूने या वहाँ से मिट्टी लेने की बात है, उसमें भगदड़ मची और पास में कोई नाला है जिसमें एक के ऊपर एक लोग गिरते चले गए। अभी सभी चीज़ें जांच का विषय है, अभी हम तत्काल निष्कर्ष पे पहुँच के किसी भी चीज़ को जांच को इफेक्ट नहीं करना चाहते हैं। जांच का दायरा खुला है, जांच में जो भी तथ्य प्रकाश में आएंगे उसके आधार पर कार्रवाई करेंगे। हाथरस की घटना को लेकर प्रधानमंत्री मोदी ने सीएम योगी से फोन पर बात की, हालात के बारे में जानकारी ली और हाथरस की घटना का जिक्र प्रधानमंत्री मोदी ने संसद में भी किया। उन्होंने शोक व्यक्त करते हुए पीड़ितों की हर संभव मदद का भरोसा दिया, तो वहीं राहुल गांधी ने भी हादसे पर दुख जताया। के हाथरस में जो भगदड़ हुई उसमें अनेकों लोगों की दुखद मृत्यु होने की जानकारी आ रही है। जिन लोगों की इस हादसे में जान गई है मैं उनके प्रति अपनी संवेदना व्यक्त करता हूं। मैं सभी घायलों के जल्द से जल्द ठीक होने की कामना करता हूं। राज्य सरकार की देखरेख में प्रशासन राहत और बचाव कार्य में जुटा हुआ है। केंद्र सरकार के वरिष्ठ उत्तर प्रदेश सरकार के लगातार संपर्क में है। मैं इस सदन के माध्यम से सभी को यह भरोसा देता हूं कि पीड़ितों की हर तरह से मदद की जाएगी। सरकार को लोगों की मदद करनी चाहिए सेंसिटिवली, और सब परिवारों को जिन्होंने किसी को खोया है मैं कंडोलेंसेस ऑफर करता हूं। थैंक यू। हाथरस में हादसे को लेकर FIR भी दर्ज कर ली गई है। कार्यक्रम के आयोजकों पर मामला दर्ज हुआ है। शुरुआती जांच में आयोजकों की लापरवाही सामने आई, वहीं हादसे के बाद से आयोजकों का कोई भी पता नहीं चल पा रहा है। सभी आयोजक के जो फोन है वो इस वक्त बंद आ रहे हैं, वहीं बाबा का भी फोन बंद है, बाबा का भी कोई अता पता नहीं है।
हाथरस में भोले बाबा के सत्संग में अचानक से भगदड़ मचने से 116 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई। ये जानना जरूरी है कि आखिर भोले बाबा जिसके सत्संग में लोगों की जान चली गई वो कौन है। नारायण साकार विश्व हरि भोले का एटा जिले बहादुर नगरी गांव का रहने वाला है। शुरुआती पढ़ाई लिखाई यहीं से हुई और बाद में पढ़ाई पूरी करके वो इंटेलिजेंस विभाग में नौकरी करने लगा और फिर कुछ सालों बाद में नौकरी छोड़कर अध्यात्म की तरफ मुड़ गया। और नारायण साकार हरि उर्फ भोले बाबा साधु संतों की तरह गेरुआ वस्त्र नहीं पहनता है, अक्सर सफेद सूट और टाई जूतों में नजर आता है, जैसा कि आप तस्वीरों में भी देख सकते हैं। कई बार कुर्ता पजामा पहना हुआ भी दिखाई देता है। नारायण साकार अपनी पत्नी के साथ में सत्संग करता है और इसके सत्संग को मानव मंगल मिलन सद्भावना समागम कहा जाता है। और कहा जाता है कि बाबा के भक्तों के लिए उनके चरणों की धूल इतनी कीमती होती है कि बाबा जहां से भी गुजर जाता है लोग उस मिट्टी को अपनी झोली में भरकर घर ले जाते हैं और उस मिट्टी का अपने बच्चों को टीका लगाते हैं। जानकारी के मुताबिक बाबा का एक घर आगरा के केदारनगर में है जो बीते 10 सालों से बंद पड़ा है। हाथरस में नारायण साकार हरि उर्फ भोले बाबा के सत्संग में हुए हादसे ने पूरे देश को हिलाकर रख दिया है। अब तक 116 लोगों की भगदड़ में मौत हो चुकी है, सैकड़ों लोग इस भगदड़ में घायल हुए हैं और प्रधानमंत्री मोदी और सीएम योगी आदित्यनाथ ने हादसे पर दुख जताया और मृतकों के परिजनों को 2-2 लाख रुपए मुआवजे का ऐलान किया। वहीं हादसे में FIR दर्ज कर आरोपियों की तलाश की जा रही है। भोले बाबा की सत्संग में भीड़ में दब गए, सत्संग में भी जिन लोगों की इस हादसे में जान गई है मैं उनके प्रति अपनी संवेदना व्यक्त करता हूँ। अरे एक भीड़ थी, वो एक दूसरे के ऊपर हो गए बच्चे। हाथरस में बड़ा दिल दहला देने वाला हादसा हुआ। सिकंदरा राव थाना इलाके के गांव फुलराई में सत्संग के दौरान भगदड़ मच गई। नारायण साकार हरि जो भोले बाबा के नाम से भी फेमस है उनका प्रवचन चल रहा था, तभी अचानक भगदड़ मच गई जिसमें करीब 100 से ज्यादा लोगों की मौत हुई है। मरने वालों में ज्यादातर महिलाएं और बच्चे शामिल हैं। हादसे में घायल कई लोगों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। लगातार लोग बेहोश हो गए और उसके बाद कई लोगों की मौत हुई है। मेरे पीछे आप देख सकते हैं ये यहाँ CSC है और CSC सिकंदरा हुआ है। यहाँ पर लगभग 100 से अधिक भक्तों की मृत्यु हुई है जहाँ पर उनके शव रखे गए हैं। प्रशासनिक अधिकारी मौके पर है और प्रशासन के अधिकारी पहुंचे हैं। सत्संग में शामिल श्रद्धालुओं ने बताया सत्संग खत्म होने के बाद वापस जाने लगे लेकिन बाहर निकलने का रास्ता तंग था जिसकी वजह से धक्का मुक्की हुई और फिर भगदड़ मच गई। हम सत्संग में गए थे, साल थी और वहाँ पर बहुत सारी भीड़ हो रही थी। अचानक सत्संग खत्म हो गया, वहाँ पे बहुत सारी भीड़ हो रही थी, रास्ता जाम हो रहा था, निकलने के लिए जगह नहीं थी। तो एक दूसरे हम खेत की तरफ से निकल रहे, वहाँ बहुत सारी बाइक खड़ी थी और मम्मी लिख रही थी। तो अचानक ही धक्का मुक्की हो गई, जगह नहीं थी पाँव धरने की। तो अचानक ही बहुत सारे लोग उनकी इंच कर गए, उनकी तो मौत हो गई। मेरे साथ आई थी मम्मी की ऐसे हालत। हादसे के बाद एक तरफ चीख पुकार मच गई, लोगों को समझ ही नहीं आया अचानक क्या हो गया। सत्संग के भगदड़ में हुई मौतों में ज्यादातर महिलाएं शामिल थी। अरे एक भीड़ थी, वो एक दूसरे के ऊपर हो गए बच्चे। आपके साथ कितने लोग आए थे? पूरी गाड़ी भर के आई थी, कमेटी आई थी, जयपुर की कमेटी आई थी। समापन के बाद मैं भीड़ एकदम से सब निकली, एक दूसरे के ऊपर सब हुई है। आप भी उस सत्संग में थी? क्या क्या चल रहा था? अरे यार
कितनी भीड़ थी वहाँ? बहुत भीड़ थी भैया। कैसे हुआ हादसा ये? भैया नीचे दब गए, बहुत पवन लगा, ऊपर जाके लेकर गई। मौके का संग भीड़ आई है सुबह में। मेरे बाबा का सत्संग चल रहा था। मैं क्या हुआ? भोले बाबा की सत्संग में भीड़ में दब गए। हादसे की सूचना मिलने के बाद आला अधिकारी भी मौके पर पहुंच गए। पुलिस का कहना है कि सत्संग में भगदड़ से लोगों की मौत हुई है। सिकंदरा राव के पास हाथरस जनपद में एक मंगलगढ़ी गांव है, वहां पे भोले बाबा का प्रोग्राम चल रहा था। ये जो सूचना प्राप्त हुई है उसमें भगदड़ से मनोज थोड़ा नीचे लोगों की डेथ हुई है। हमारे यहाँ एटा हॉस्पिटल में 27 डेड बॉडी आ गई है, जिसमें 23 महिलाएं हैं, 3 बच्चे हैं और 1 पुरुष की डेड बॉडी है। वही हाथरस के डीएम का कहना है कि एसडीएम के जरिए इस आयोजन की इजाजत दी गई थी। इसकी परमिशन एसडीएम साहब द्वारा दी गई थी और इसमें एक प्राइवेट आयोजन था, जिसमें कि पूरी ड्यूटी कानून व्यवस्था और सुरक्षा के लिए लगाई गई थी और इसमें बाकी व्यवस्था जो अंदर की जानी थी वो स्वयं उनके द्वारा की जानी थी और इस संबंध में उच्च अधिकारी द्वारा एक उच्च स्तर पर एक जांच कमेटी जांच भी गठित की गई है। सीएम योगी ने घटना पर दुख व्यक्त किया है और हादसे की जांच के लिए कमेटी का गठन किया है। सीएम योगी के निर्देश पर 2 मंत्री भी हाथरस पहुंचे हैं। सीएम योगी ने इस हादसे पर दुख जताया है। सीएम योगी ने अधिकारियों को राहत और बचाव कार्यों के युद्ध स्तर पर संचालन और घायलों के बेहतर इलाज के निर्देश दिए हैं। सीएम योगी के निर्देश पर मंत्री लक्ष्मी नारायण चौधरी और संदीप सिंह घटना स्थल पर पहुंचे। वहीं यूपी के मुख्य सचिव और डीजीपी भी घटना स्थल पर पहुंचे और मामले का जायजा लिया। एडीजी आगरा और कमिश्नर अलीगढ़ के नेतृत्व में टीम गठित की गई है जो हादसे के कारणों की जांच कर रही है। संसद में पीएम मोदी ने भी हाथरस की घटना पर शोक जताया। पीएम मोदी ने घायलों के जल्द ठीक होने की कामना की है। एक दुखद खबर भी दी गई है। यूपी के हाथरस में जो भगदड़ हुई उसमें अनेकों लोगों की दुखद मृत्यु होने की जानकारी आ रही है। पंडाल में भगदड़ प्रवचन खत्म होने के बाद मची। प्रवचन खत्म होने के बाद नारायण साकार हरि महाराज की गाड़ी जाने लगी तो लोगों की भीड़ गाड़ी की तरफ तेजी से बढ़ी और उसी समय भगदड़ मची और श्रद्धालुओं की मौत हो गई। 23 महिलाएं हैं, 3 बच्चे हैं और 1 पुरुष का सब यहां पहुंचा है। मैं अपने सहयोगियों से कहूंगा वो दिखाएं कि तमाम भीड़ में पोस्टमार्टम में मौजूद हूं। यहां तमाम जिले के अधिकारी यहां मौजूद हैं, जिलाधिकारी, एसएसपी, सीओ, एएसपी, तमाम ऐसे अधिकारी हैं जो यहां पहुंचे हुए हैं। हाथरस हादसे को लेकर आसपास के जिलों से भी पुलिस फोर्स को बुलाया गया है। अलीगढ़, मथुरा, फिरोजाबाद और आगरा से पुलिस फोर्स को बुलाया गया है। 3 कंपनी पीएसी भी हाथरस पहुंच चुकी हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18। एटा की रहने वाली महिला सुधा अपनी मां, सासू और मां और साथी भाइयों के साथ में हाथरस में सत्संग में गई थी और अपनी मां को ढूंढते हुए एटा पहुंची है। आपको दिखाते हैं। साहब कुछ और परिजन पहुंचे हैं तो जानते हैं कहाँ के रहने वाले हैं, घटना कैसे हुई, क्या हुई। आपका नाम क्या है? हमारा सुधा नाम है। आप जो है कौन, आप कौन कौन गए थे वहाँ पे? आप हमारे स्वास्थ्य में गए, हम गए। अच्छा, हम मम्मी तो अपने घर से आए पटियाली से, हाथरबा उत्तरी सिकंदरा राव ट्रेन से, वो नहीं मिली, सब में ढूंढ ली वहाँ पांडाल में, सब में भैया ने ढूंढ ली, स्टेशन पे ढूंढ ली, वो कहूँ ना मिली, सिकंदरा राव हॉस्पिटल में, हाथरस हॉस्पिटल में देख ली, फिर एटा मैंने अपने ही हॉस्पिटल में देखी तो मैया जही मिली गई। आप ढूंढते ढूंढते यहाँ पहुँचे? हाँ, ढूंढा ढूंढा ना। आपके परिवार के और भी किसी के पास टूट-फूट नहीं है? ना, सब सही है, कोई ना, मैं तो निरे जाते हैं, कोई सब सही है ते प्रभु। आपके ससुराल और मायके दोनों के लोग? हाँ, दोनों के आते हैं, मेरे दो भैया आते हैं। आप कहाँ की रहने वाली है? ससुराल कहाँ है आपकी? मैं एटा। और मायका? पटियाली में। आपके जो है माँ, सासू और भैया सब गए थे? सासू माँ तो मैं संग गई, मैं एटा से गई।
माँ तो पटियाली से आए। आपने देखा था हादसा कैसे हुआ, कोई जानकारी आपको मिली? मैं नहीं देखो हादसा, मैं तो एटा की तरफ चली आई, हादसा तो सिकंदर आऊंगा बहू पल्ली साइड भैया की साइड। ये महिला हमारे साथ मौजूद हैं, आप जानेंगे कि इनकी जो घटना हुई है, इनकी जो माँ की मौत हो गई है, आप देखेंगे तमाम ऐसे लोग हैं, किसी की माँ चली गई, किसी के पिता चले गए, किसी का बेटा चला गया, किसी की पुत्री चली गई, ऐसे तमाम ऐसे मामले हैं। यहाँ लोगों का रो रो का बुरा हाल है। आम जैसे जैसे पोस्टमार्टम की प्रक्रिया पूरी हो रही है और सब जो है जाते जा रहे हैं, ऐसे भीड़ तो कम होगी, लेकिन अब देखना होगा आखिर इतना बड़ा हादसा कैसे हुआ, क्या हुआ और क्यों हुआ, ये जानकारी और इसकी जांच होगी तभी पता चल सकेगा। विजय शर्मा, विजय टीम, एटा।